दूसरों तक खाना पहुंचाने वाले, दूसरों को पेट भरने वाले जोमैटो डिलीवरी बॉय खुद कितना परेशान है, आपको यह जीएन भारत की न्यूज में पता चलने वाला है। जोमैटो प्रबंधक से परेशान होकर खाना को डिलीवरी करने वाले वर्कर्स आज स्ट्राइक पर हैं। वहीं राजभवन के पास मार्च करते हुए डिलीवरी बॉय ने बताया कि जोमैटो प्रबंधन हमें बाउंसर लेकर धमका रहे हैं, मार रहे हैं, हमसे जबरदस्ती काम करा रहे हैं, उसके बाद हमारा पैसा भी कम कर रहे हैं, हमारा आईडी भी ब्लॉक कर दे रहे हैं। वहीं स्ट्राइक करने के बाद जोमैटो पूरी तरह से ठप पड़ गया है। देखिए यह रिपोर्ट। सर हमें 2019 से प्रॉब्लम हो रही है सर, दिन पे दिन हमें स्ट्राइक करे लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा। लेकिन जोमैटो मैनेजमेंट हमें इतना प्रेशर दे रहा, बाउंसर लेके मार कर रहे हैं, हमें धमका रहे हैं, जबरदस्ती काम कराना चाह रहे हैं और हमारा आईडी जबरदस्ती बंद कर रहे हैं। हमारा दिन पे दिन पैसा कम किया कर दिया जा रहा है। हम काम पहले 10 घंटे काम करके सर 1000 रुपये कमाते थे, आज 10 घंटे काम करके 500 रुपये कमाते हैं, जिसमें 200 तेल जलता है, 200-250 बचता हम लोग का, उससे हमारा घर कैसे चलेगा। लेकिन हम लोग इतना बात बोलते हैं कि हम लोग जो पहले पैसा मिलता 2019 में वही पैसा दीजिए, लेकिन तब भी वो पैसा नहीं देने के कर रहे हैं और पैसा दिन पर दिन कम कर रहे हैं। बोल रहे हमारा रेशियो गिर रहा, ये गिर रहा, वो गिर रहा। हम बोले सर हम लोग इतना 4 साल से काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं? हमारा पैसा कुछ डिप्लॉयमेंट को बोलते मेडिकल के इंश्योरेंस आपको दिया ये जाता है, कुछ नहीं मिलता है। हमारा कुछ भी होता है बोलते कैशलेस है, लेकिन हॉस्पिटल जाने बाद बोलता पहले पैसा दो। जब पैसा भी लगाने के बाद जब टिकट रेस करते हैं हम लोग कि हमारा पैसा रिफंड हो, उसमें भी 4 महीने लगाते तब भी पैसा नहीं देते हैं। ये लोग दिन पर दिन शोषण कर रहे राइडर का। हम आवाज़ उठाते हैं इसके लिए तो हमारा आईडी बंद करते हैं, बोलते जाओ तुम लोग कहीं और काम कर लो। हम इतने सारे राइडर कहाँ जाएंगे सर? कौनसा लगा के? मेरा नाम है रोहित कुमार, जोमैटो का अध्यक्ष हूँ। हम लोग 10 सूत्री मांग जो है जोमैटो प्रबंधन को 26 अक्टूबर को सौंपे थे, उस मांग में हम लोग का पेट्रोल इंसेंटिव का डिमांड है, सितंबर 2019 का जो पे आउट था उसको रिस्टोर करने का। हम लोग इन्फ्लेशन का चार्ज भी नहीं मांग रहे हैं, सितंबर 2019 का जो पे आउट था उसको रिस्टोर करने का मांग कर रहे हैं। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है कि ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए कंपनी का कोई आदमी, कोई ऑफिस नहीं है शहर में। राइडर्स को ऐप के थ्रू बात करना पड़ता है कंपनी से अगर कोई समस्या होती है तो। अब बताइए, वर्कर्स दिन भर सड़क पे घूम रहा है, अगर उसको कहीं ज़रूरत पड़ेगी कंपनी से बात करने के लिए तो ऐप के थ्रू बात करेगा। आपका कोई मैनेजर होना चाहिए, कोई होना चाहिए। और जैसे ही फिर हम लोग सड़क पे आने की कोशिश करते हैं, तुरंत प्रबंधन 2000 रुपया दे के हर रेस्टोरेंट पे बाउंसर बैठाए हुए हैं ताकि ये लोग को जबरदस्ती काम करवाया जा सके। पुलिस में कंप्लेन करता था, फिर CITU से जब सब लोग जुड़े, यूनियन बना, उसके बाद से पुलिस का प्रेशर तो कम हुआ है, लेकिन प्रबंधन का प्रेशर अभी भी वैसे ही चल रहा है। और सीधा प्रबंधन यही कहता है कि ये लोग श्रमिक नहीं है, ये लोग ऐप आधारित कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पार्टनर हैं। जो आदमी आप जो ऑर्डर जोमैटो ले रहा है, जोमैटो ही रेस्टोरेंट को ऑर्डर दे रहा है, जोमैटो ही वर्कर को ऑर्डर दे रहा है, जो ऑर्डर आ रहा है उसका पैसा जा रहा है जोमैटो के पास, तो वो आपका वर्कर कैसे नहीं हुआ? ये बात जब लेबर कमिश्नर के ऑफिस में उठी तो लेबर कमिश्नर ने भी हमारा समर्थन किया, लेकिन क्योंकि गिग वर्कर के लिए अभी कोई कानून नहीं है केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ से, इसलिए हम दोनों सरकारों से भी मांग करेंगे कि हमारे लिए कानून बनाया जाए, सामाजिक सुरक्षा से लेकर सब कुछ इंश्योर किया जाए। और हमारी जो तत्काल 10 सूत्री मांगे हैं, इस पर प्रबंधन को 7 जनवरी को DLC के यहाँ सुनवाई है, उसमें त्रिपक्षीय वार्ता है, उसमें इस पे अग्री करना होगा प्रबंधन को, और नहीं तो हम लगातार लड़ाई को तेज करते रहेंगे। मेरा नाम प्रतीक कुमार मिश्रा है, मैं ऑल इंडिया गिग वर्कर्स यूनियन झारखंड का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।